दोस्तों, आप सभी ने तो कंप्यूटर यूज़ ज़रूर किया होगा। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर में डिफरेंट तरह का डिवाइसेस लगते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे कि माउस, या फिर आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह, या फिर पेन ड्राइव वगैरह। तो दोस्तों ठीक उसी तरह ही एक डिवाइस है जिसका नाम है लाइट पेन, जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यही है आज का टॉपिक, क्या होती है लाइट पेन और कैसे काम करता है और इसका काम क्या है, और कुछ बातें हैं इस लाइट पेन के रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाष्य और आप सब लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल यानी कि टेक विद्वान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों नॉर्मली लाइट पेन एक हार्डवेयर होता है, आप इसे इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो लाइट पेन है ये एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उसके अंदर कर्सर को मूव करने में, या फिर आपका जो कंप्यूटर का यूज़र इंटरफेस है उसके साथ इंटरेक्ट करने में, या फिर टेक्स्ट डेटा या फिर पिक्चर इमेजेस वगैरह उसको सिलेक्ट करने में, मॉडिफाई करने में ये मदद करता है। दोस्तों ये जो लाइट पेन होता है क्या काम करता है, तो उसी का एग्जाम्पल अगर देता हूँ, तो जैसे कि आप देखे होंगे आपका जो माउस पॉइंटर को यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर कुछ डेटा वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह ही लाइट पेन को यूज़ करके आप सेंटेंसेस या फिर वर्ड या फिर इमेजेस वगैरह आप बड़े ही आसानी से सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और दोस्तों मैं अगर दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे आप अपने टच स्क्रीन स्मार्टफोन पे स्क्रीन पर टैप करते हुए किसी भी एप्लीकेशन को खोल देते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह ही लाइट पेन को यूज़ करके आप कंप्यूटर का एप्लीकेशन वगैरह खोल सकते हैं या फिर उसका जो इंटरफेस होता है उसके साथ बड़े ही आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो लाइट पेन होता है ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसमें बहुत सारे पिक्सल होते हैं, और दोस्तों पिक्सल का जो ब्राइटनेस चेंजेस होता है उसी चेंजेस को ये सेंस करते हुए अपना काम करता है। और दोस्तों एक ही बार में ये सिर्फ एक ही पिक्सल का जो ब्राइटनेस चेंज होता है उसी को सेंस कर सकता है। तो ये जो लाइट पेन होता है आप इसको सिर्फ CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पर आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने जो LCD मॉनिटर है उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। पर लेकिन 2006 में टोशिबा और हिटाची जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ जापान में अपना जो डिस्प्ले शो 2006 हुआ था वहाँ पे LCD स्क्रीन पर लाइट पेन को यूज़ करने का टेक्नोलॉजी को अनवील किया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद अभी जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया था। दोस्तों ये जो लाइट पेन होता है ये एक फ्लैश लाइट टाइप का डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर का मॉनिटर है उसके ऊपर एक लाइट फोकस करता है, तो इसलिए इसको लेजर पॉइंटर भी कहते हैं। दोस्तों मैं अगर लाइट पेन की हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, तो पहली बार 1955 में लाइट पेन को डेवलप किया गया था, और दोस्तों 1960 में ये कॉमनली यूज़ करने में लिया गया था, और दोस्तों ये काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा, और 1980 में ये आपको जितने सारे होम PCs वगैरह होती है उसमें अवेलेबल होने लगा था। दोस्तों ये जो लाइट पेन का यूजेज है काफ़ी दिन तक चलता रहा, जब मार्केट में नया करके टस्किन टेक्नोलॉजी को लाया गया तब से इसका जो यूजेस है काफ़ी घट चुका है। और दोस्तों आजकल लोग सबसे ज़्यादा टस्किन टेक्नोलॉजी में बना हुआ जो टस्किन स्मार्टफोन या फिर PC या फिर टैबलेट वगैरह लेने में ज़्यादा इच्छा रखते हैं या फिर रुचि रखते हैं। पर दोस्तों आज की डेट में जितने सारे ग्राफिक टैबलेट वगैरह होता है उसी में आपको लाइट पेन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका अगर एप्पल iPad यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक एप्पल पेन एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो एप्पल पेन होता है यही लाइट पेन की जो टेक्नोलॉजी है उसी को लेके ये बना हुआ है। और दोस्तों आप अगर सैमसंग गैलेक्सी की नोट अगर यूज़ करते हैं तो नोट में भी आप एक एस पेन देखने को मिलता होगा, जो एस पेन है वो लाइट पेन टेक्नोलॉजी को लेकर भी बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो लाइट पेन है आज की डेट में सिर्फ प्रोफेशनल ड्राइंग या वगैरह बनाने में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ होता है उसमें टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।